जो हमें सलाद के साथ फ्री में मिलता है, आज हम उसी की सब्जी बनाएंगे और बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्जी तैयार करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। ये है मूली के पत्ते जो हमें मूली के साथ मिलते हैं, तो आज हम इसी की सब्जी बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी तैयार करेंगे। तो पहले हम मूली के जो पत्ते हैं अच्छे अच्छे अलग निकाल देंगे, जो ख़राब होंगे उसे हटा देंगे। तो बारीक बारीक इसे अच्छे से चॉप कर लेंगे, तो जो ज़्यादा ही डंठल वाले होंगे उसे भी हटा देंगे। और अब हम इसे पहले कट कर लेते हैं। इसके साथ के लिए पालक हो तो उसे भी आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मूली ही डाल रही हूँ। इसे हम पहले छील लेते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में पहले हम मूली को कट कर लेंगे। मूली जो साबुत मूली होती है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है हरी सब्जी के साथ। तो यहाँ पे मैंने मूली कट कर ली है और प्याज टमाटर अदरक लहसुन है इसे भी कट कर लिया है। कढ़ाई में हम डाल देते हैं सरसों का तेल, और इसमें हम तेल गरम होते ही जीरा डाल देंगे और जखिया डाल देंगे। तो जखिया आप ज़रूर डालना, हरी सब्जी में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन डाला है और प्याज हरी मिर्च डाल दिया है। इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे तेल के साथ। लहसुन बहुत ही जल्दी जल जाती है, इसलिए इसके लिए ज़्यादा गर्म तेल होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करके इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है। थोड़ी देर के लिए हम इसे कवर कर लेते हैं ताकि टमाटर जल्दी जल्दी से सॉफ़्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं। अब हम मिक्स करके इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। तो ये जो सब्ज़ी है ज़्यादा मसाले वाली भी नहीं बनाएंगे हम इसे, तो थोड़ा थोड़ा मसाले ऐड करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे धनिया डाल देंगे, हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और सब्जी मसाला डाल देंगे। तो यहाँ पे मसाले मैंने डाल दिए हैं, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें सबसे पहले हम आलू और जो हमने मूली काट के रखी है उसे डाल देंगे। इसके साथ मैं आलू डाल रही हूँ, एक आलू मैंने कट करके रखा था, और मूली है इसे भी डाल देंगे। 2 मिनट के लिए आलू और मूली को हम अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर देंगे और इसी तरीके से इसे अच्छे से थोड़ा कुक होने देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि मसाले इसमें अंदर तक चले जाए। तो थोड़ी देर के लिए हम इसे कवर कर लेते हैं और एक बार बीच में हिलाते रहेंगे। तो जो मूली और आलू है वो अच्छे से मिक्स हो गए मसाले के साथ। अब हम क्या करेंगे, जो हमने पत्ते लिए थे उसे डाल देंगे। सारे पत्ते मैंने यहाँ डाल दिए हैं। अभी कढ़ाई बिल्कुल भरी हुई लग रही है, तो जब हम इस पे ढक्कन लगाएंगे भाप से ये खुद ही बैठ जाएंगे सारे पत्ते। तो हल्का फुल्का मैंने इसे मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें ढक्कन लगा देते हैं। ढककर इसे हम अच्छे से कुक करेंगे लो टू मीडियम आंच पे और बीच बीच में हिलाते रहेंगे जब तक कि अच्छे से हमारी सब्जी कुक ना हो जाती। और गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है ताकि सब्जी हमारी अच्छे से कुक हो जाए। तो सब्जी हमारी अच्छे से कुक हो गई है, इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। इसे हम रोटी के साथ सर्व करेंगे। पराठे हैं या मंडे की रोटी ही, मकई की रोटी, सभी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्जी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।